हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाना सीखेंगे चूड़ा मटर। ये बनारस की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और आप इसे ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में कभी भी बनाकर आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक जार। जार में ऐड कर रही हूँ 1/2 इंच अदरक के टुकड़े और साथ ही ऐड कर रही हूँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। इसके साथ में ऐड करेंगे 5 से 6 हरी मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1 बंच हरा धनिया। याद रखें कि इसमें धनिया की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अभी सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। साथ ही में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट। अभी हम लिड को क्लोज कर देंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। अभी चीज़ें हमारी ग्राइंड हो चुकी हैं। इसे मैंने बिल्कुल चटनी के फॉर्म में ग्राइंड किया है। ये देखिए कितने अच्छे से सारी चीज़ें ग्राइंड हुई हैं। तो आपको इस तरीके से इसको चटनी के फॉर्म में इसको ग्राइंड करना है। यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड किया है 2 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही में ऐड किया है 1 टेबलस्पून जीरा। जीरे को फ्राई करेंगे और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का आलू, जिसको मैंने इस तरीके से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और साथ ही ऐड कर रही हूँ 1/2 बाउल हरा मटर। यहाँ पर मैंने फ्रेश वाला लिया है, आप चाहें तो फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जो हमने चटनी बनाई है उसको भी इन सारी चीज़ों में इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरीके से मिलाएंगे। अभी लिड को क्लोज कर देंगे और इसको 5 से 10 मिनट हमें लो फ्लेम पर कुक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए अभी सारा पानी ख़त्म हो चुका है और ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से कुक हो गई हैं। आलू को इस तरीके से कट करके चेक कर लेंगे। अभी आलू भी हमारा पक गया है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मोटा चूड़ा, जिसको मैंने वॉश कर लिया है। दो बार इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और सारा पानी इसका ड्रेन आउट करके इसको इस तरीके से इसमें ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सॉल्ट। सॉल्ट मैंने चटनी में भी 1 टेबलस्पून यूज़ किया था, तो आपको सॉल्ट की क्वांटिटी आपको ध्यान से डालनी है। अभी इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी। घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी ये चूड़ा मटर हमारा रेडी है। यहाँ पर मैंने कुछ रोस्टेड पीनट्स भी ऐड किए हैं। ये ऑप्शनल है पूरी तरीके से, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या फिर बिना पीनट्स के भी आप इसे खा सकते हैं।